तो मैंने अपने जरूरत के अनुसार अपना एक पीसी बिल्ड किया है, बट काफी सारे लोगों को जरूरत होती है एक लैपटॉप की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे वीडियो बनाया जाए जहां पे आपको टॉप 5 ऐसे लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो कि 40,000 के अंडर आएंगे। तो अगर आपका बजट 40,000 या उससे ऊपर का है, मतलब तो उसके आसपास है, आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज 5 ऐसे मैं आपको यहाँ पर लैपटॉप बताने वाला हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगे आपके जरूरत के अनुसार आप चूज कर सकते हो एंड उसको आप यूज कर सकते हो। अभी जो भी लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बताऊंगा, उसके पीछे भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए एटलीस्ट। जैसे कि वहाँ पे 512 GB की SSD होनी चाहिए, 8 GB की रैम होनी चाहिए, 15.6 इंच या फिर 14 इंच का स्क्रीन होना चाहिए, एंड यहाँ पे बैटरी जो यहाँ पे बैकअप होगा वो 6 घंटे से ऊपर का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, एंड इस क्राइटेरिया को जो लैपटॉप मैच करेगा वही लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 5वें नंबर के लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा Xiaomi के Redmi Book Pro के बारे में, जिसमें आपको 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलती है, साथ ही में आपको 8 GB ऑफ रैम मिलती है, यहाँ पे 512 GB की SSD मिलती है। इसी के साथ आपको इंटेल का i5 11th Gen का प्रोसेसर मिलता है, इंटेल का Iris Xe जो आपको ग्राफिक्स कार्ड, इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके जो वेट है, मतलब इसका जो यहाँ पे वजन है वो 1.8 kg का है, एंड यहाँ पे आपको जो है विंडोज 11 होम मिलता है। अब बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 46 Wh की आपको बैटरी मिल जाती है, यानी कि 10 घंटे तक आराम से आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। आराम से ये 10 घंटे तक चल जाता है, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे बताया गया वो आराम से यहाँ पे चल जाता है। तो जिन लोगों को बैटरी की मत होती है कि बैटरी अच्छी होनी चाहिए, वो लोग तो इसको ले ही सकते हैं। एंड इसका प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 40,000 के अंडर अंडर ही इसका जो प्राइस है वो देखने को मिलता है। तो आप जब भी इसको परचेज करोगे कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह मिलते हैं, तो थोड़ा सा और आपको सस्ते मिल जाएगा। आप इसको बोल सकते हो 37-38,000 के आसपास आपको इसका जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे एसर के लैपटॉप्स पसंद आते हैं तो आपको इसको देखना चाहिए, जो कि एसर का एक्सटेंसा 15। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जो लोग मतलब लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा हैवी काम नहीं बट आप बोल सकते हो कि रेगुलर यहाँ पे काम करते हैं, ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो ये लैपटॉप आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। अब इसमें क्या कुछ मिलता है उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, 8 GB ऑफ रैम देखने को मिल जाती है, 512 GB की SSD आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे इंटेल का कोर i5 11th Gen का प्रोसेसर मिलता है, इंटेल Iris Xe आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो है इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसका जो वेट है वो 1.7 kg का है, मतलब जो पिछला आपको लैपटॉप बताया था Xiaomi वाला Redmi Pro वाला, वो उससे थोड़ा सा आप बोल सकते हो 100 ग्राम थोड़ा सा कम है, ठीक है। और इसमें भी आपको विंडोज 11 होम का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और इसकी जो बैटरी है वो 8 घंटे तक चलेगी, मतलब उससे थोड़ी सी कम चलेगी, फिर भी ये काफ़ी अच्छा है, 8 आवर्स भी कम आप बोल सकते हो नहीं होता है, ठीक है, तो काफ़ी आपके ये काम आ जाएगा। तो इसकी प्राइस जो है वो 42,990 मतलब 43,000 के आसपास आती है, बट ऑफर वगैरह रहता है तो थोड़ा सा आपको सस्ता ही मिलेगा, हो सकता है 40,000 तक ये आपको जो लैपटॉप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एसर के लैपटॉप्स आप अगर आप पसंद करते हो तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इंटेल से नहीं बट यहाँ पे AMD से प्यार है तो उसका भी एक जुगाड़ है, यहाँ पे लेनोवो का IdeaPad 3, ये जो लैपटॉप है इसमें आपको यहाँ पे AMD का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अभी इसमें और कुछ कुछ चीज़ें मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है, 250 nits की आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 8 GB ऑफ रैम एंड यहाँ पे 512 GB की SSD देखने को मिलती है, जो कि हमारा क्राइटेरिया के अंडर ये फॉल करता है। इसी के साथ आपको इसमें AMD का Ryzen 5 55 OU, यहाँ पे आपको जो है CPU देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड होगा वो यहाँ पे AMD का Radeon आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, यानी कि जो आपके कीबोर्ड होगा वो लाइट करेगा अंधेरे में, अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो तो काफ़ी मतलब अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ MS Office वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो यहाँ पे वेट है वो काफ़ी कम है, यहाँ पे 1.65 kg का इसका जो वजन है, तो काफ़ी मतलब बोल सकते हो हल्का है, लाइटर है। एंड इसी के साथ इसमें विंडोज 11 होम का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसकी जो बैटरी है वो 7 घंटे तक चलती है, एंड इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 43,000 है, बट यहाँ पे ऑफर वगैरह लगा के थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा, बट इसकी जो बैटरी बैकअप वो थोड़ी सी कम है, तो आप इससे अगर मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो फिर ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा ये भी लैपटॉप हो सकता है। गाइज, आपको इन्फिनिक्स का तो पता ही होगा, ये जो कंपनी है वो स्मार्टफोन्स बनाती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, बट यहाँ पे अब ये जो कंपनी है वो लैपटॉप्स भी बनाती है, एंड इसके जो लैपटॉप्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल के साथ साथ इसके जो स्पेक्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इस लैपटॉप का नाम है इन्फिनिक्स InBook X2 Plus। अब इसमें आपको यहाँ पे 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिल जाती है,
300 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, 8 GB ऑफ रैम मिलती है एंड यहाँ पे 512 GB की SSD मिलती है। अभी अगर आपको इनमें से जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं अगर आपको उसको अपग्रेड करना है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, आप 8 GB की एक और रैम लगा सकते हो, या फिर SSD को आपको यहाँ पे अपग्रेड करना है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इजिली यहाँ पे अपग्रेडेबल है। इसी के साथ इसमें आपको इंटेल का कोर i5 का 11th Gen का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इंटेल आइरिस XC का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, आपको इसमें बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड FHD वेबकैम देखने को मिलता है। मतलब अभी जितने भी मैंने लैपटॉप बताए थे वो सिर्फ HD वेबकैम 720 पिक्सल्स पे आपको मिलता था, बट ये जो है आपको 1080 पिक्सल्स पे मिल देगा, जो कि आपको क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होगी, जूम कॉल्स वगैरह करते हो तो वगैरह वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ इसका जो वेट है वो काफ़ी, मतलब आप बोल सकते हो लाइटर है, 1.58 kg का इसका जो वजन है एंड यहाँ पे आपको विंडोज 11 होम मिल जाता है एंड यहाँ पे जो उसकी बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप बोल सकते हो कि 10 आवर्स तक, मतलब 10 घंटे तक आराम से ये चल जाएगा, बिकॉज इसमें 50 Wh की आपको बैटरी मिल जाती है एंड 65 Wh की आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आराम से आप इसको यूज़ करो, काफ़ी देर तक चलेगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस जो आप बोल सकते हो 40,000 के आसपास है एंड ऑफर वगैरह लगा गया थोड़ा सा और सस्ते में मिल जाएगा, अगर कोई और फेस्टिवल वगैरह कोई ऑफर वगैरह आया तो उस टाइम पर तो और भी सस्ता मिलता है, तो आप देख लेना, ठीक है। गाइज अभी मैंने आपको जितने भी सर लैपटॉप्स बताया वो आपको यहाँ पे 15.6 इंच वाले लैपटॉप बताए, जो थोड़े से मतलब बड़े होते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज में चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो उसका भी जुगाड़ है। यहाँ पे एक लैपटॉप है जिसका नाम है Honor MagicBook X14, जिसमें आपको 14 इंच का फुल HD स्क्रीन देखने को मिलता है, इसी के साथ 8 GB ऑफ रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है, यहाँ पे इंटेल का कोर i5 11th जेन का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, इंटेल आइरिस XE का आपको ग्राफिक्स कार्ड, इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, साथ में आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है, आपको सिक्योरिटी को थोड़ा और इन्हेंस कर देता है। इसके साथ इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, मतलब जितने से लैपटॉप्स मैंने आपको बताया उनमें से सबसे कम है, 1.38 kg, मतलब 1.5 किलो से भी कम है, काफ़ी हल्का लैपटॉप है। इसमें आपको विंडोज़ 11 होम आपको यहाँ पे OS देखने को मिलता है, बैटरी आपको यहाँ पे 9 आवर्स तक देखने को मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे 56 Wh का आपको यहाँ पे बैटरी मिलता है और यहाँ पे 65 Wh की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके जो प्राइस है वो 42,990 रुपीज़ है, मतलब 43,000 के आसपास, एंड इसकी प्राइस भी आप बोल सकते हो कि किसी ऑफर के तहत आपको सस्ते मिलता है, ऐसा 10% का डिस्काउंट होता है ये कार्ड्स पे, तो आपको थोड़ा सा सस्ता ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा एंड सेल में तो थोड़ा सा प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं। तो गाइज मैंने तो आपको सभी लैपटॉप्स के बारे में बता दिया कि किसमें कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन सी चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको अब चूज़ करना है आपके नीड के अनुसार, आपके ज़रूरत के अनुसार कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगा, उसके बाद आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी लैपटॉप परचेज कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, मैं सभी की लिंक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना होगा तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज वैसे तो वीडियो खत्म हो गई है, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड यहाँ पे आपको दो वीडियोस देख रहे होंगे, उन दोनों वीडियोस को भी देख लेना बिकॉज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।